तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तं इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, अर्थात दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। श्री कृष्ण हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी श्री भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं।